आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है तो तिरंगे से इंस्पायर होकर के मैं आज ट्राई कलर सैंडविच का रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, बनाना भी बहुत आसान है, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं झटपट वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैं केसरिया कलर गाजर से तैयार कर रही हूँ, तो गाजर को मैं पहले धो करके छिल के अच्छे से काट के तैयार कर रही हूँ। अब इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और दरदरा पीस लेंगे। पानी के इस्तेमाल एक आध चम्मच डालेंगे, जितना में पीस जाए बस। देखिए इसको इस तरह से दरदरा पीस के तैयार करना है। अब इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। अब इसमें हम टोमेटो सॉस मिला देंगे। दो तीन चम्मच जितने जिसमें यही अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया मेरा गाजर, कलर भी खूबसूरत आ गया। देखिए ग्रीन कलर तैयार करेंगे। इसके लिए देखिए खीरा लिए हैं और कुछ हरी मिर्च ले लिए हैं और ये हरा धनिया डाल देंगे इसमें। इसका चटनी तैयार कर लेंगे, मिक्सी के जार में इसको डाल देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हाफ नींबू का रस है उसको भी डाल देंगे और इसको पीस ले रहे हैं। देखिए मेरा ग्रीन कलर तैयार हो गया। ये जो ब्रेड का जो साइड वाला पार्ट है इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, अलग बाउल में रख ली रही हूँ। अब सारे ये ब्रेड के पीस पे मेयोनीज लगा दे रहे हैं, इससे कलर भी वाइट हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब मैं एक ब्रेड पे ये केसरिया कलर डाल रही हूँ। अब जो मेयोनीज का यही वाला पार्ट डाल देंगे नीचे से ऐसे, और फिर इसके ऊपर में एक बार मेयोनीज लगा देंगे। अब इस पे चटनी लगा लेंगे, ग्रीन चटनी। अब मेयोनीज वाला साइड नीचे करके ऐसे किनारे का पार्ट में जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल लेंगे। अब इसे ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। देखिए मेरा ट्राई कलर सैंडविच बनके तैयार हो गया है। आपके यहाँ जो भी गेस्ट अगर आज आते हैं उन्हें ये चखाइएगा जरूर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।